बाकी के जो न्यू आंसर्स हैं, जो चेंज हुए हैं, वो भी मैं आपको उनके साथ साथ प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, वेयर डिड यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च द हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी इंडिया प्रोग्राम। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी इंडिया प्रोग्राम। आपको बताना है इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई थी, और इसकी शुरुआत की गई थी हैदराबाद, आंसर आया, लेकिन हैदराबाद इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम से उन्होंने स्टार्ट किया था। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, केरल के अंदर है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का ये लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखो, अक्षय कुमार रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड 2016 फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। आपसे ये पूछा गया है कि 2016 के अंदर नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया अक्षय कुमार को कौन सी मूवी के लिए। तो आप सभी ने रुस्तम मूवी उनकी जरूर देखी होगी, तो रुस्तम मूवी जो है उनको उस मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है 2016 का। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, द एशियन गेम्स फेडरेशन एडॉप्टेड एज द मोटो ऑफ द गेम्स विच वॉज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जो एशियन गेम्स फेडरेशन, जो एशियन गेम्स जो हुए थे, उन्होंने अपना मोटो क्या था, उसका मोटो आपको बताना है, जो किसके द्वारा दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो उसका मोटो था कीप अप द स्पिरिट, स्पिरिट्स रखे। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला देखो, हु इज द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 5 विकेट्स इन T20 मैच इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। आपको बताना है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है, आपको उनका नाम बताना है। तो पहले भारतीय गेंदबाज है रविंद्र जडेजा। तो ऑप्शन सी जो होगा, सॉरी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, युजवेंद्र चहल जो है इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी जो है आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में की गई। तो आपसे ये पूछा गया है एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1984 के अंदर साई जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, इस साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर एंड पद्म भूषण रेसिपियंट ही रोट फेमस वर्क सच एज द रूम ऑन द रूफ एंड वेंगेट्स इन द वैली विद द कैरेक्टर नेम रस्टी एट द सेंटर। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता का नाम यहाँ पे बताना है। उन्होंने रस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रख के द रूम ऑन द रूफ और वेनेगेट्स इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियां लिखी है। तो क्या जवाब होगा इसका सही, इसका सही जवाब क्या है, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, फेब्रुअरी 20 इज सेलिब्रेटेड एज, 20 फरवरी जो है वो किसके रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब आता है, सोशल जस्टिस आता है 20 फेब को। इनकी डेट भी याद रखो, ऑप्शंस की थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अगर क्वेश्चन चेंज होके आता है आपके लिए। 15 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, और वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। तो तीनों ही डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बनियन नेशंस। इंडिया फर्स्ट टाइम टू विन द डेल पीपल चॉइस अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी एट द ओल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस को यह अवार्ड दिया गया है, फेमस डेल पीपल चॉइस ऑफ द अवार्ड सर्कुलर इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एशियन पर्सन फ्रॉम असम हु वॉज नॉमिनेटेड फॉर द हेरिटेज अवार्ड 2016 बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिनको कि फर्स्ट एशियन पर्सन है जो आसाम से है और नॉमिनेटेड किए गए थे 2016 के हेरिटेज अवार्ड के लिए, आपको उनके नाम बताना है। 9th के लिए हमारा सही जवाब होगा विभूति लहकर, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आसाम से संबंध रखते हैं और इनको 2016 का हेरिटेज अवार्ड जो है उसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द फर्स्ट प्रीमियर लीग ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर डिफीटिंग राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स इन द फाइनल मैच ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग हेल्ड इन हैदराबाद ऑन 21 मई 2017। 21 मई 2017 को हैदराबाद में जो जो इंडियन प्रीमियर लीग हुई थी उसके फाइनल मैच मैच में
राइजिंग पुणे सुपर जायंट को हराकर निम्नलिखित में से किस टीम ने तीसरी बार जो है आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है? तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस ने लगातार तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है। अगला क्वेश्चन देखो, अमल राज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? अमल राज का नाम आपने सुना होगा, तो आपसे ही पूछा गया है कि इनका नाम जो है कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपको उनके स्पोर्ट्स का नाम बताना है। तो यह जो है वो टेबल टेनिस के प्लेयर है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम, आपको बताना है कि भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय जो 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए खोला गया है, वो कहाँ पे खोला गया है ये आपको बताना है। तो यह खोला गया ओल्ड फोर्ट, पुराना किला का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे जो इंडिया का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम जो है वो खोला गया है 2016 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, विच बॉलीवुड सुपरस्टार वॉज अवॉर्डेड द 24th क्रिस्टल अवार्ड एट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि डावोस में हुआ था स्विट्जरलैंड में? तो 24th क्रिस्टल अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, आपसे ये पूछा गया है, वो दिया गया है शाहरुख खान को। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा, शाहरुख खान को दिया गया है 24th क्रिस्टल अवार्ड जो हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डावोस के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर, तो वो शाहरुख खान को दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि टोर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ए जापानीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एक कंपनी है जिसका नाम है टोर इंडस्ट्रीज, तो ये एक जापानीज कंपनी है और इसने क्या कि मैन्युफैक्चर करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को। इसने अपनी एक नई ब्रांच ओपन की है, नई फैक्ट्री ओपन की है इसने। आपको ये बताना है कौन से भारतीय राज्य के अंदर इसने अपनी नई ब्रांच खोली है? तो यह है खोली है चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चेन्नई के अंदर इन्होंने अपनी एक नई एक ब्रांच खोली है भारत के अंदर, और टोर इंडस्ट्रीज क्या है, एक जापान की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एशियन गेम्स आल्सो नोन एज एशियाड, एशियन गेम्स जो होते हैं जिनको एशियाड भी कहा जाता है, तो कितने साल में एक बार होता है ये आपसे पूछा गया है। तो एशियाड गेम्स जो होते हैं वो एशिया की जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है और ये 4 साल में एक बार होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो, 4 साल में एक बार खेले जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली के लिए 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी नामक एक थीम गीत जो है जारी किया है। तो 16 के लिए हमारा सही जवाब क्या होगा, कौन सा थीम गीत उन्होंने जारी किया है, यूथ ट्रेवल युवा यात्रा के नाम से उन्होंने एक थीम गीत जारी किया है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच इंडिया इंडियन वॉज क्राउन द मिस टीम यूनिवर्स 2017 इन मैनेगुआ द कैपिटल ऑफ निकारगुआ? आपको ये बताना है कि किनको 2017 का जो मिस टीम यूनिवर्स अवार्ड दिया गया है, कौन से भारतीय को दिया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही जवाब क्या होगा हमारा, सृष्टि कौर को ये अवार्ड दिया गया है, मिस टीम यूनिवर्स 2017 का अवार्ड उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉन द फीफा U17 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग स्पेन एट द सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता ऑन 28 अक्टूबर 2017 को? जो फीफा U17 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो उसमें कहाँ पे हुआ था, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता के अंदर, जिसमें स्पेन को हराकर किसने 17वां जो U17 वर्ल्ड कप जीता है? तो आपको उस टीम का उस कंट्री का नाम यहाँ पे बताना है। तो यह जीता है इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर जो 28 अक्टूबर 2017 को फीफा U17 वर्ल्ड कप हुआ था वो उन्होंने जीत लिया है। तो इंग्लैंड जो है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फोगाट सिस्टर्स ऑफ हरियाणा? आपको उस फिल्म का नाम बताना है जो हरियाणा के फोगाट सिस्टर्स के ऊपर बनी है। तो आप सभी को पता है फोगाट सिस्टर्स के ऊपर दंगल मूवी बनी है जो बॉक्सिंग के ऊपर है, तो आप सभी को पता होगा इस फिल्म के बारे में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे सही जवाब भी दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, कि हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द ओपन कराटे चैंपियनशिप हेल्ड इन लास वेगास इन अप्रैल 2017? अप्रैल 2017 में लास वेगास में आयोजित जो US ओपन कराटे चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं?
16 पदक जीते गए हैं भारत के द्वारा, तो 20th का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 16 पदक जीते हैं भारत ने। विच सिटी होस्टेड द कैंपेन फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर ऑफ रबी क्रॉप्स 2017? आपको ये बताना है कि रबी फसलों की कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेजबानी जो है किस शहर ने की थी, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? यह मेजबानी की गई थी न्यू दिल्ली के द्वारा। तो जो रबी फसलों के ऊपर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज द फॉरेस्ट फेस्टिवल वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1950 बाय। आपको ये बताना है कि जंगलों के संरक्षण के लिए जो एक जागरूकता अभियान पैदा किया गया था वर्ष 1950 में, आपको ये बताना है कि वो फॉरेस्ट फेस्टिवल जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही जवाब होगा के एम मुंशी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1950 के अंदर, एक फॉरेस्ट फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था ताकि जंगलों को बचाया जा सके, उनका कंजर्वेशन हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, नेम द फाउंडर ऑफ पेटीएम विच वॉज इंक्लूडेड इन द टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ 2017 अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। आपको पेटीएम के संस्थापक का नाम बताना है जिसको कि 2017 की जो टाइम्स मैगजीन की सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों के साथ रखा गया था, उसको आपको उनका नाम बताना है। तो पेटीएम के फाउंडर कौन है? आपको फाउंडर का नाम पता होना चाहिए, पेटीएम के फाउंडर कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा हमारा, विजय शेखर शर्मा जो है पेटीएम के फाउंडर है, उनको 2017 की टाइम्स मैगजीन जो है, टाइम्स मैगजीन क्या है कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जितने भी प्रभावी लोग हैं, प्रभावशाली, उनकी लिस्ट निकाली जाती है, उस लिस्ट के अंदर नरेंद्र मोदी के साथ साथ पेटीएम के संस्थापक का भी नाम था, विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, निम्न में से किसने दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार महिला अचीवमेंट अवार्ड जीता है? वह जो जिन्होंने ये अवार्ड जीता है वह व्हील चेयर बाध्य विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और प्रेरक वक्त भी है। तो वुमेन अचीवमेंट अवार्ड 2017 का किसको दिया गया है दिल्ली वुमेन कमीशन के द्वारा? यह दिया गया है नीनू केवलानी को। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा, नीनू केवलानी जो है वो एक डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट भी है और एक मोटिवेशनल टाइम भी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द बैडमिंटन प्लेयर हु वॉन द फर्स्ट सुपर सीरीज टाइटल इन सिंगापुर इन अप्रैल 2017। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? आपको उन खिलाड़ी का नाम यहाँ पे बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, श्रीकांत कदम्बी। श्रीकांत कदम्बी जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने कि अपना पहला सुपर सीरीज टाइटल जीता था 2017 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसॉफ्ट सीईओ हैज मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया इन 2017 16। सॉरी, आपको ये बताना है कि 2016 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है वो नरेंद्र मोदी से मिले थे। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे क्या पूछा गया, आपको माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम पता होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ये मानो या माना ही कि 16 में के रिगार्डिंग पूछा गया है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हुए, ठीक है, फेसबुक के सीईओ है, या ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, तो ये सब चीजें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसका सही जवाब होगा सत्य नाडेला। सत्य नाडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है और जो उन्होंने 2016 में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन? किस बॉलीवुड पर्सनालिटी को जो उत्तराखंड के स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चूज किया गया है? तो 27th के लिए सही जवाब होगा काजोल। काजोल को जो है उत्तराखंड के स्वच्छ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन देखो, इन इंडिया द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है जो कि मुंबई के अंदर है, दिल्ली के अंदर नहीं है, कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो 28 के लिए हमारा सही जवाब क्या हुआ, 1954 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो आपका, हु लॉन्च द स्टार्टअप एकेडमिक अलायंस प्रोग्राम, अ यूनिक मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी बिटवीन एकेडमिक स्कॉलर्स एंड स्टार्टअप वर्किंग इन द सेम डोमेन।
आपको ये बताना है कि किसने लॉन्च की है स्टार्टअप एकेडमिक अलायंस प्रोग्राम, ये आपको बताना है। तो यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका। देखो स्टार्टअप इंडिया जो है वो एक स्कीम है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जो कि 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी कि जितने भी स्टार्टअप इंडिया में खुलते हैं उनको बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ 9th एडिशन ऑफ वीमेंस फिल्म फेस्टिवल 2018, 2018 का महिला फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उसका थीम आपसे पूछा गया है। तो क्या थीम रहा था इसका? थीम रहा था, इसके लिए क्या सही जवाब होगा 30th के लिए, ट्रैवलिंग वुमेन, पैसेंजर वुमेन हो या यहाँ पे ट्रैवलिंग वुमेन हो, तो दोनों ही सही जवाब होंगे। यह थीम था 2018 के महिला फिल्म फेस्टिवल का। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप हेल्ड इन लास वेगास इन अप्रैल 2017? आपको भी बताना कि यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप जो हुई थी उसके अंदर भारत ने कितने मेडल जीते। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होके आया है, 16 मेडल जीते गए हैं भारत के द्वारा। Who was the first state to exit the National Conservation Plan of the center? केंद्र का जो प्लान है नेशनल कंजर्वेशन प्लान, उससे बाहर निकलने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वेस्ट बंगाल जो है वो पहला राज्य है भारत का जो कि बाहर निकला है नेशनल कंजर्वेशन प्लान से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बहुत सारे बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, हु डिफिटेड स्पेन एट लेक स्टेडियम इन कोलकाता ऑन 28 सितंबर 2017 टू विन द फीफा U17 वर्ल्ड कप? देखो फीफा U17 वर्ल्ड कप से बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। एक तो फर्स्ट की ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था तो आपको पता होना चाहिए, कोलकाता के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। विनर कौन था? इंग्लैंड विनर था, ठीक है। और इंग्लैंड ने किसको हराया था? स्पेन को हराया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दो तीन चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। 2018, अब ये तो था 2017 का, 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 का विजेता कौन था? स्पेन। स्पेन ने किसको हराया था? मेक्सिको को। ये चीज आपको याद रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि 2019 के अंदर जो है U17 वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे, तो ये आपके ब्राजील के अंदर होंगे। तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है करंट चीजें इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन इंडिया सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे? आपको बताना कि भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमारा मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ऑप्शन बी जो होगा ये ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हु बिकेम द फर्स्ट विच विच एयरलाइंस बिकेम द फर्स्ट फॉरेन एयरलाइन टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन फ्रॉम श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर? क्या आपको उस एयरलाइन का नाम बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है? तो 35th के लिए हमारा सही जवाब क्या होगा? कौन सी एयरलाइन बन गई? एयर एशिया जो है वो पहली फॉरेन ऐसी एयरलाइन बन गई है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अपना पहला ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन आंसर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब है। देर इज एन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट द फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस रिसीवेबल्स ऑफ MSME थ्रू वेरियस सेवरल फाइनेंसर्स। देखो MSME जो होते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनके लिए काफी स्कीम्स निकलती हैं। तो ऐसी ही एक स्कीम है जिसका नाम है ट्रेड्स। ट्रेड स्कीम की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको लिख देती हूँ, अगर एग्जाम में आ जाए तो, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। डिस्काउंटिंग सिस्टम इस स्कीम का फुल फॉर्म है। और इस स्कीम किसको, जो MSME जो होते हैं जो कि हमारे लघु और मध्यम उद्यम जो होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए, उनको ताकि उनके बिजनेस स्टार्टअप जो है उनमें हेल्प मिल सके, तो ये स्कीम स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ट्रेड्स नाम है स्कीम का। अगला क्वेश्चन देखो, विच इंडियन स्टेट टॉप द पब्लिक अफेयर इंडेक्स? 2017 का जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है वो कौन से स्टेट के द्वारा टॉप किया गया था, आपको ये बताना है। इसके लिए सही जवाब होगा केरल। केरल जो है नंबर 1 स्टेट रहा था पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक स्क्रीनिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र वाज डन ऑन? जो भारत की पहली फीचर फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र
उसकी सार्वजनिक स्क्रीनिंग जो है वो कब की गई थी, उसकी डेट आपसे पूछी गई है। तो 1913 के अंदर, 13-13 से आप याद रख सकते, 13-13 से 13 मई 1913 के अंदर इसकी स्क्रीनिंग की गई थी। और ये फिल्म थी क्या, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, दादा साहिब फाल्के। आपको याद रखना, दादा साहिब फाल्के के नाम पे पुरस्कार भी मिलता है। तो दादा साहिब फाल्के जो है इस मूवी के डायरेक्टर थे। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है इसके बारे में, एक तो फीचर कब की गई थी 1913 के अंदर, और डायरेक्ट किसके द्वारा की गई थी, निर्देशन किसने किया था, दादा साहेब फाल्के ने। Who has been crowned Femina Miss India 2018? 2018 का जो Femina Miss India का ताज किसे पहनाया गया है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, किसे पहनाया गया है, अनुकृति व्यास को। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर बात करें 2019 की, तो 2019 का क्राउन किसे पहनाया गया है, सुमन राव को। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। क्या आपको बताना है कि कौन सी टीम ने जो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी है जो 2018 की, वो किसके द्वारा जीत ली गई है। तो यह जीती गई है दिल्ली के द्वारा। तो देखिए 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में ये इवेंट हुआ था, और इसके अंदर 2019 की अगर हम बात करें, ये 2018 की थी, तो आपके लिए जानना क्या इंपॉर्टेंट है कि 2019 के अंदर कहाँ पे हुई थी। तो 19 के अंदर किस कौन विजेता रहे हैं, कर्नाटका, कर्नाटका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 2015-16 वाज गिवन टू, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2015-16 का किसे दिया गया था, आपको ये बताना है। तो किसे दिया गया था, यह दिया गया था T.M. कृष्णा को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा। सुनील भारती मित्तल इज एन इंडियन बिलियनियर उद्यमी फिलैंथ्रोपिस्ट एंड फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ। सुनील भारती मित्तल के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, तो ये किसके ऑनर है, ये भारती इंटरप्राइजेस के फाउंडर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, भारती इंटरप्राइजेस के फाउंडर कौन है, सुनील भारती मित्तल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द बॉलीवुड एक्टर हु रिसीव्ड कला रत्न अवार्ड इन मार्च 2017। 2017 का जो कला रत्न अवार्ड जो है वो कौन से बॉलीवुड एक्टर को दिया गया, आपसे उनका नाम पूछा गया है। 2017 का कला रत्न पुरस्कार जीतने वाले बॉलीवुड अभिनेता का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अनुपम खेर। अनुपम खेर को दिया गया है 2017 का कला रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑन विच डेट डिड इंडिया ऑर्गेनाइज अ कल्चरल फेस्टिवल इन इजिप्ट टू मार्क द 156th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। आपको ये बताना है, रविंद्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए भारत ने किस तारीख को मिस्र में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये आपको बताना है। तो 44th के लिए सही जवाब होगा, इसका जवाब क्या होगा, मई 8 से 12, 8 मई से 12 के बीच में एक कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था इजिप्ट के अंदर टू मार्क द 156th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, अगला इसका सही देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ, 7 मई 1861 को उनका बर्थ हुआ था। तो इसी डेट के अराउंड ये फेस्ट रखा गया 8 से 12 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इंडियन रेलवेज अर्न द मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम, कि भारतीय रेलवे जो है वो अपना अधिकतम राजस्व जो है वो कहाँ से प्राप्त करती है, फ्लाइट से प्राप्त करती है, एसी ट्रेन से प्राप्त करती है, या मंथली सीजन टिकट से प्राप्त, किससे प्राप्त करती है। तो इसका सही जवाब है भाड़ा, भाड़ा फ्लाइट, भाड़ा से जो जितना भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है रेलवे का वो भाड़ा से होता है। तो ऑप्शन ए फ्राइड जो होगा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। काफी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं, और ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आपका बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। विक्रम सिंह आर 1997 बैच ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट। विक्रम सिंह जो है 1997 के बैच के ही ऑफिसर है, और आपसे ये पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि इनको प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट का, कौन से प्रेसिडेंट का किया है ये आपसे पूछा गया है। तो 46 के लिए हमारा सही जवाब होगा प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी का इनको प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है।
देखो ये तो था पुराना क्वेश्चन, अब बात करते हैं हमारे जो रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो संजय कोठारी होगा। संजय कोठारी जो है वो फिलहाल अपॉइंटेड है एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, तो संजय कोठारी होगा हमारे रामनाथ कोविंद जी का पर्सनल सेक्रेटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ सलमान रुश्दी वॉज पब्लिश्ड इन 2017। 2017 के अंदर सलमान रुश्दी जो है लेखक हैं उनके कौन से उपन्यास को प्रकाशित किया गया था, उसका नाम आपसे यहाँ से पूछा गया है। तो 47 का सही जवाब क्या होगा, द गोल्डन हाउस। गोल्डन हाउस उपन्यास जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया था और कब पब्लिश किया गया था, 2017 के अंदर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल इन 2017। 2017 में जो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का हुई थी उसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है ये आपको इसमें बताना है। तो यह जीता गया है माइकल फेरेरा के द्वारा, ठीक है। अब ये तो है 2017 का, अगर इफ यू टॉक अबाउट 2018 18 की बात हम करें तो यह जीता गया है पंकज आडवाणी के द्वारा। तो आपको 17 का याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको 18 का याद होना चाहिए, पंकज आडवाणी के द्वारा यह जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मेला फेयर टू बी लिस्टेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यूनेस्को जो है, यूनेस्को को हेडक्वार्टर बता दो।